गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कैमरे का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो उसे रिसेट कैसे करना है, हार्ड रिसेट, या फिर आप मेल से कैसे उसको रिटाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मॉडल लिया है अभी DA21PL3, ये मॉडल जो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये नया मॉडल है, इससे पहले मैंने DS21PL3 बना चुका हूँ, उसको आप वीडियो देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अगर आपको सामने ऐसा डिस्प्ले अगर आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने ये लॉक खुला लिया, ये इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है, या फिर यहाँ जब लिखे अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड, अगर आप सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के लिए अगर आप मेल आईडी से अगर आप चाहते हैं तो उससे भी रिटाइप कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप हार्ड रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड रिसेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये आपको कैमरे को इस तरह से खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलने के बाद आपको इसमें लैन केबल लगाना पड़ेगा, अगर POE नहीं हो तो ठीक है, तो आप सेपरेट पावर दे सकते हैं और लैपटॉप के थ्रू आप जो है सो कि इसको लगा सकते हैं। उसके बाद करना क्या होगा कि आप इसका IP पिंग करवा लेंगे। IP पिंग कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे CMD, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप CMD लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे IP जो आपको सबको पता होगा, क्योंकि जो आपको IP जो है जैसे कि अकाउंट लॉक दिख रहा है, ठीक है, तो आप वो IP को यहाँ पर लिखेंगे PING space 192, जो कैमरे का IP है वो लिखेंगे 1.110 इसका है -t, ये लॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। अगर IP पिंग हो रहा है आपका, यहाँ देखिए, अब आपको करना क्या है कि इसको ऑन भी रखना है, ठीक है। और ये देखिए आप दिखाइएगा, ये देखिए, ये जो आप जो पिन देख रहे हैं, ये पिन, ये वायर है, इसके बगल में बड़ा वाला होल है, इसके बगल में ये पिन को आपको शॉर्ट करना है पावर ऑन में, ठीक है। ये मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया, अब यहाँ पर हम पिंग चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे RTO आ गया आपका, ठीक है, RTO दिखा रहा है, डैट मीन्स कि ये ऑलरेडी रिसेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इसे हटा देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो कि कौन सा पिन मुझे सेट करना है, तो कभी भी आप खुद से ट्राई मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कैमरा फिर वो शॉर्ट हो जाएगा और बंट हो जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफर्म नहीं हो, तो एक बार या तो टोल फ्री नंबर पे या फिर ये वीडियो के माध्यम से देख करके आप रिटाइप कर सकते हैं, या फिर आप सर्विस सेंटर को आप भिजवा सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये तो हमारा हो गया, अब हम इसको वापस करेंगे, यहाँ फिर से हम दोबारा IP सर्च कराएंगे। ये IP फाइंडर टूल है, आप जो भी आप लोग इंस्टॉलर हैं तो इसको ज़रूर कम से कम लैपटॉप पर रखा कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, कैमरा को इनिशियलाइजेशन के लिए, पासवर्ड रिट्राइव करने के लिए, कैमरे का IP कैसे फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा वेट कीजिए, या खुद ब खुद वो IP आ जाएगा आपको, क्योंकि अभी मैंने इसे रिस्टार्ट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है ये। आप यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन पर यहाँ पे आपका देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपका IP, यहाँ पे 250 आपका आ गया, ठीक है। जो इनिशियलाइजेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा से इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कम्प्लीटली ये कैमरा आपको नया होगा। अब फिर से इसको दोबारा से आप IP अपना सर्च करवा सकते हैं, यहाँ पर कुछ इशू के कारण IP सर्च नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये IP सर्च कर जाएगा, ठीक है। तो ये था कैसे इसको रिस्ट्राइप करना है। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप खुद से ट्राई ना करें, या तो सर्विस सेंटर या टोल फ्री की मदद से ही मदद करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को बताएं कि इस तरह से पासवर्ड आप सेट करके अपना टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू।